अपने पसंदीदा शो देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। नमस्कार, मैं सुधा चंद्रन क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूं। एक इंसान द्वारा दूसरे इंसान की हत्या बहुत ही शर्मनाक कृत्य है, लेकिन बावजूद इसके ये सिलसिला हजारों सालों से चलता आ रहा है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि हत्या का तरीका क्या था, क्योंकि इससे हत्यारे की नियत का पता चलता है। जैसे कि आप लोगों ने अभी देखा कि कोई एक सोए हुए इंसान को जलाकर मारना चाहता है, आखिर क्यों? क्या वो हत्यारा उस इंसान से इतनी नफरत करता है कि उसके शारीरिक वजूद तक को वो मिटाना चाहता है, या फिर ऐसा कोई राज है जिस पर वो हत्यारा पर्दा डालना चाहता है? तू अपने मालकिन से पैसे लाएगी या इस घर से बाहर जाएगी? बोल, लाएगी कि नहीं? नहीं लाऊंगी, छोड़ो मेरा हाथ। नहीं लाएगी? नहीं लाएगी। देखता हूं तू कैसे निकालती पैसे। क्या हुआ, फिर से कोई सपना देखा? सपना माँ के बारे में था। एनीवेज, हैप्पी बर्थडे भैया। थैंक यू। चलता ज्यादा हो गई थी भैया, उतर ही नहीं रही। आप कैसे पचा जाते हो इतनी दारू, और सुबह सुबह इतना जल्दी भी उठ जाते हो? मेरी तरह योगा किया कर, स्वस्थ तन में शांत मन रहता है। शांत मन? क्या बोला? नहीं नहीं कुछ नहीं भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, कल से मैं भी करूंगा योगा। अरे मार डाला। अबे क्या मार डाला? अरे मेरी स्कूटी को मार डाला भैया। अबे अंधा हो गया क्या, दिखाई नहीं देता तेरे को? देखिए जबान संभाल के बात कीजिए। एक तो मेरे बाइक की हत्या कर दी, ऊपर से जबान भी मैं संभालूं। हत्या? क्या बकवास कर रहे हैं आप? और ये तो एक दिन होना ही था, हर रोज आप अपनी बाइक रोड पे लगा देते हो। मेरे भाई की सड़क है, मैं जहाँ चाहूँ लगाऊं, तो होता कौन है? तेरे भाई के बाप की रोड है क्या? तू रुक, अभी भैया को बुला, रुक अभी। भैया भैया बाहर आ रहा जरा, ये आपके पड़ोसी की है ना, औकात बढ़ गई है ये। अरे रुक, क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहा था इतना? भैया देखो ना, मेरी बाइक का क्लच तोड़ दिया ये आपके सामने वाले इसने। भैया आपके राज में ये दिन देखना पड़ेगा? सोचा नहीं था मैंने। अब 10 रुपए का सामान है, लगा लेना, इतना सोच रहा है भैया। ये तो मैं ठीक करा लूंगा, और ये ठीक भी हो जाएगी, पर आपकी इज्जत तो चली गई ना। क्या मतलब? वो आपको गाली दे के गया, वो ऐसे बोल के गया तेरे भाई के बाप की रोड है क्या? क्या? हाँ, बदला लेना तो बनता है ना। दिखाता हूँ इस शर्मा को मैं। अबे ओ शर्मा, अरे तेरी औकात है क्या मेरे बाप की बराबरी करने की? ये रोड मेरी है, मेरे बाप की है। जो कर रहे हैं, थूकता हूँ तेरे घर पे मैं। पापा, अरे अक्षय त्रुपचा पिटेगा। पापा क्या कर रहे हो आप? चुप, तेरा बाप हूं मैं, औकात में रह तू। तेरे बाप की बेइज्जती करके गए वो, और तू मुझे रोकने आ रहा है? पापा क्या कर रहे हैं? Thank you.
पापा वो भैया को मारना। क्या है ये, क्या है? इतनी तनख्वाह ऐसा घटिया नाश्ता बनाने के लिए कहता हूं मैं? अगर मेरा खाना पसंद नहीं है तो मेरा हिसाब कर दो साहब। क्या बोली? हिसाब कर दू तेरा? तू यहीं रुक, हाथ धो के आता हूं, फिर तेरा बराबर हिसाब करता हूं मैं। खड़ी रह। मुझे काम ही नहीं करना यहाँ। आप अभी जाओ, मैं पापा से बात करता हूँ। कहाँ गई है? हाँ? हिसाब करना था ना इसको। अक्षत, अक्षत, इतना बन ठन के कहाँ जा रहे तू? अरे पापा, आज भैया का जन्मदिन है। जन्मदिन है तेरा? बताया नहीं पापा को? खुश रहो, खुश रहो। पर जा कहाँ रहा है वो पापा? अरे भैया मंदिर जा रहे हैं। मंदिर जा रहा है? ऐसे ऐसे नहीं जाते हैं। ये ले, ये ले, ले मिठाई ले लेना। दीदी, हमारे कपड़े अगर वॉशिंग मशीन में डाल रहे हो तो महंगा वाला डिटर्जेंट पाउडर यूज करना, समझी? समझ गए, चिंता मत कर। हाँ हाँ हाँ, पहुंच रहा हूँ। अरे दीदी, तबीयत कैसी है अभी आपकी? अरे मेरी तबीयत को क्या होगा, ठीक है, तू चिंता मत कर। ठीक है। नाश्ता रेडी? सुमित से बात हुई क्या? हाँ, उसके हॉस्टल के फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पे जाने की बात कर रहा था। सुनिए ना, उसके अकाउंट में 50,000 डाल देना। अच्छा, बाप की याद तभी आती है जब पैसों की जरूरत हो। क्या अभी? डाल दूंगा। अच्छा सुनो, दीदी को 500 रुपए की जरूरत थी, ये दे देना उनको। जब देखो तब कुछ ना कुछ मांगती रहती है। क्या बेकार की बात कर रही? बेचारी साल 6 महीने में कभी कभार मांगती है। मैं बेकार की बात कर रही हूँ? तुम्हारी बहन पिछले 10 सालों से हमारे घर में आके जमी है, वो बेचारी। अरे धीरे बोलो, सुन लेगी वो। सुनती हो तो सुनने दो, बस भी करो अब। हाँ हाँ, दे दूंगी। 500 रुपए का क्या ही करेगी। अच्छा मैं लेट हो रहा हूँ, मैं चलता हूँ। ध्यान रखना अपना, दे देना। दीदी, दीदी, दीदी। हाँ भाभी। ये लीजिए, आपके भाई ने आपको देने के लिए 100 रुपए दिए, लीजिए। दीदी थोड़ा डाइनिंग टेबल साफ कर देना, ठीक है? हाँ भाभी, मैं कर दूंगी। अब भाभी। हाँ, पुराने गिफ्ट पैक करने के पेपर पड़े हैं बहुत सारे, मैं ले सकती हूँ? पुराने गिफ्ट पेपर? आपको क्या करना है? मुझे नहीं पता कहाँ है, आपने ही रखा होगा, ले लेना। अरे अरे अक्षत, मामा जी प्रणाम। कैसा? बढ़िया हूँ मामा जी। दीदी से मिलने आया? जी। अंदर होगी, मिल लो, मैं तो ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, लेट हो जाऊंगा। ठीक है मामा जी।
अक्षत। माँ प्रणाम। जीता रहे, जन्मदिन की ढेर सारी मुबारक। थैंक यू माँ। अच्छा लग रहा है, खड़ा क्यों है, आ बैठना। हाँ बर्थडे। ये इसकी क्या क्या जरूरत थी माँ? क्यों केक छोटा लग रहा है? कम से कम केक तो है। ले तू खा। अरे देना। अरे माँ। कोई नहीं, जब तो छोटा था ना तब तो खुद ही मेरे पल्लू से अपने हाथ साफ कर लेता था। अब एक मिनट। तेरा हैप्पी बर्थडे गिफ्ट। थैंक यू माँ। ठंडी में बाइक चलाता है ना, तेरे हाथों में ठंडी लगती होगी, है ना? 600 रुपए अपनी मर्जी का ना, कुछ भी खरीद ले। माँ मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? तेरी माँ गरीब है इसलिए। माँ आपको इस वक्त मुझसे ज्यादा जरूरत है पैसों की, आप रखिए इसे। अरे मुझे क्यों जरूरत होगी, तो कितने ठान से रहती हूँ। किसी चीज की कमी नहीं होती मुझे, तेरा मामा मेरा बहुत ख्याल रखता है। तू रख। माँ तुझे मेरी कसम। अच्छा ये बता शानू कैसा है? माँ शानू तो एकदम हीरो बन गया। ये देखो। अब दिखा। हाँ आप आज तक ये टूटा हुआ चश्मा यूज कर लो। टूटा कहाँ है? दिखता है मुझे सब, दिख रहा है। अरे क्या कर रहा है, फोटो तो देखने दे, बिना चश्मे के दिखेगा नहीं ना। एक मिनट माँ, ये रहा आपका नया चश्मा। हाँ। मार्केट में सिंगल पीस है। हाँ। कैसा लगा? कितना साफ दिखता है इससे सब कुछ। सच में ये तो हीरो हो गया है। अरे अंशु ये चश्मा तो बहुत महंगा लग रहा है। हाँ आपने आज तक जितने पैसे दिए ना वही जमा करके लिया है मैंने। अच्छा नहीं लगा? रख इसको वापस दे। क्या आपने भी तो मुझे गिफ्ट दिया, अभी मैं भी नहीं लूं? जैसे मैंने लिया गिफ्ट आपको भी लेना पड़ेगा। हाँ बोल। भैया पापा को शक पड़ गया है, वह ढूंढने मंदिर की तरफ निकले हैं, तुम जल्दी से घर आ जाओ। हाँ मैं बस निकलता हूँ। ठीक है माँ मैं निकलता हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, अब मंदिर में भगवान को प्रणाम कर देना। हाँ अक्षत, मंदिर जाने के बहाने माँ के साथ सीक्रेट मीटिंग चल रही थी तेरी? नहीं पापा वो मैं चुप। बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा है यहाँ पे, मेरे बेटे को मेरे खिलाफ पटका रही है तू? नहीं नहीं मैं ऐसा क्यों करूंगी? काफी दिन हो गए ना, तेरी आरती ठीक से नहीं उतारी। चुप रह। क्या साजिश चल रही थी तुम दोनों की? और इसमें तेरा वो भाई रवि
अभी शामिल है ना साजिश में? नहीं नहीं, उसे तो अभी देखता हूँ। रुक रवि, अबे रवि, रवि बाहर निकल, बाहर, रवि बाहर निकल, दरवाजा खोल, दरवाजा खोल, निकाल बाहर रवि को, दरवाजा खोल, दरवाजा खोल, नहीं तो पूरे घर को जलाकर राख कर दूंगा। खोल, मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़काता है। खोल, और तू अगर आज के बाद तूने इस चौकट पर कदम भी रखा तो दोनों टांगे तोड़ दूंगा तेरी। चल। अच्छा धर्मपत्नी जी, चलते हैं। क्या आपने कभी सोचा है एक समाज या सोसाइटी होती क्या है? बहुत सारे परिवारों का एक जट्ठा एक समाज का निर्माण करते हैं। तो फिर अच्छा समाज, अच्छी सोसाइटी होती क्या है? बहुत सारे अच्छे परिवारों को मिलाकर एक अच्छा समाज बनता है। तो फिर परिवारों को अच्छा कौन बनाता है? बिल्कुल सही सोचा आपने, उस परिवार के लोग, माँ बाप, दादा दादी और उस परिवार के बच्चे। पर तब क्या होगा जब उस परिवार का कोई एक सदस्य अपने स्वार्थ और लालच के चलते पूरे पारिवारिक इकाई को ही तोड़ दे? कुछ ऐसा ही अक्षत के परिवार के साथ भी हो रहा था। उसके पिता सतीश ने अपने लालच और तानाशाही रवैया के चलते अपनी पत्नी को अपने घर से निकाल दिया था, अपने बच्चों को उसकी माँ से दूर कर दिया था। मिलने पर पाबंदी और खिलाफ जाने पर मार पिटाई। आखिर ऐसे परिवार वालों के बच्चों का भविष्य क्या होगा? क्या वो सतीश के विकृत पारिवारिक ढांचे से निकलकर एक खुशहाल जिंदगी जी पाएंगे? भैया आप माँ को लेकर या शहर छोड़ के चले जाओ। वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? पैसे भी तो नहीं है मेरे पास। अपने घर की तिजोरी तोड़ देते हैं। सॉरी भैया। भैया इनविटेशन है। क्या? ऊपर देखो। ये सोच क्या रहे हो, जाओ ना। अरे पापा नहीं है घर पे, सीधा दो तीन घंटे बाद आएंगे। जाओ जाओ। चाचा जी। अरे चालू बेटा, सब ठीक? जी चाचा जी। अच्छा वो अक्षत विधि की छत पर क्या कर रहा है? वो प्लीज पापा कौन बताइएगा। अरे हम क्यों बताएंगे। हाँ अरे तू घबरा मत, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। मुझे कुछ नहीं पता, तुम अभी थाने जाओ और अपने जीजा के खिलाफ कंप्लेन लिखवाओ। लिचड़ आदमी है वो, कुछ नहीं होने वाला है। तो क्या हम गालियां और धमकियां सुनते रहे उस बदतमीज आदमी की? मैंने कहा ना रिपोर्ट लिखवाइए। भाभी, भाभी, उनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांग रही हूँ कि पुलिस में कर... आपकी माफी मांगने से क्या होगा? हाँ आशा, बस भी करो आप। दीदी आप चिंता मत कीजिए, आप जाइए। सारी समस्याओं की जड़ ये तुम्हारी दीदी है। पति ने घर से निकाल दिया तो मुंह उठा के आ गई हमारे घर। आशा इसमें दीदी की क्या गलती है? पापा ने बिना जाने समझे दीदी को उस कमीने के मत्थे मार दिया। मुझे तो बच्चों के बारे में सोचकर दुख होता है, न जाने क्या सलूक करता होगा उनके साथ। अक्षत बर्फ ले क्या? बस भैया ये लो पापा।
रुक, कहाँ जा रहा है? बर्फ कौन डालेगा? बर्फ डाल। अच्छा भैया, अपना अक्षर जवान हो गया। जानो, एक और ग्लास लेके आ। भैया, कोई और भी आने वाला है क्या? बर्फ डाल। ये ले, लटक जा। हैप्पी बर्थडे। लटक जा। पापा, मैं पीता नहीं। अरे अक्षत, पापा का दिया हुआ कुछ भी मना नहीं करते। एक बार में खींच ले। ग्लास पकड़, लटक जा। ये हुई ना बात। अब हुआ ये जवान। भैया, अब इस जवान लड़के के लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ दो, कहीं ऐसा ना हो जाए किसी लड़की के साथ भाग जाए। क्या इज्जत रह जाएगी आपकी? बोलना क्या चाहता है तू? यही अक्षत ना, जो आपके सामने वो रहती है ना लड़की विधि, तेरा पति और वो तेरी कैरेक्टरलेस बेटी कहाँ है? ये क्या बदतमीजी वाली बातें कर रहे हो? बदतमीजी हम कर रहे हैं? ये तुम्हारी बेटी हमारे बेटे पर डोरे डालती है। भैया, पापा विधि के घर पर हंगामा कर रहे हैं। अरे भैया, वहाँ पे पापा के रूम में क्यों जा रहे हो? तुम बदतमीजी क्या होती है? अरे मैंने क्या किया? अगर आज के बाद तेरी बेटी ने मेरे बेटे के ऊपर नजर उठाकर भी देखा तो ये पूरा घर जलाकर सुहा कर दूंगा। पापा, बस हो गया, चुपचाप यहां से चले जाओ, वरना वरना क्या बाप तो गोली मारेगा। इतनी हिम्मत आ गई तेरे में? इतनी हिम्मत आ गई? बाप के ऊपर गन तानता है, बाप के ऊपर गन ताने का तू? बाप। भैया जाने दो ना, नशे का असर है अक्षत। तू हट जा शकुनी, नहीं तो तू भी पिटेगा। दारू पी के जवानी फूट रही है। जवानी फूट रही है, जवानी फूट रही है। नाक में दम करके रखा है सतीश के बच्चे ने, अब क्या किया इसने? अरे छोड़ो ना साहब, मैं तो कहता हूँ इसका एनकाउंटर कर देते हैं। अरे इंस्पेक्टर साहब, एनकाउंटर तो बाद में होता रहेगा, लेकिन उससे पहले वकील साहब, ये रहे इन दोनों के जमानत के पेपर। श्रीवास्तव, छोड़ दे इन दोनों को। थैंक यू इंस्पेक्टर। भाई साहब चलिए। चल हमारा लौंडा हमारे ऊपर ही गन तानेगा, हम कभी सपने भी नहीं सोचे थे। अरे भैया गलती हो गई इससे, माफ कर दो। नहीं अजय, इसको सजा तो मिलेगी। ऑलरेडी इतनी सजा काट के आ रहा है। छोड़िए ना भाई साहब। नहीं छोटे, इसके पीछे इसका नहीं, इसकी माँ का दिमाग है, और जब माँ का दिमाग है तो सजा भी उसको मिलनी चाहिए ना।
तू गाड़ी रवि के घर ले। पापा पापा प्लीज माँ को कुछ मत करना। चुप कर। जब तक इसके सामने इसकी माँ को कूटूंगा नहीं ना बल भर के, तब तक कलेजे को ठंडक नहीं मिलेगी। तू गाड़ी ले। पापा पापा आप जो बोलोगे मैं वो करने को तैयार हूँ। आप प्लीज माँ को कुछ मत करना। करेगा जो बोलूंगा वो करेगा। हाँ ठीक है, अगले हफ्ते तेरे लिए लड़की देखने चलेंगे। मोटी पार्टी है, दहेज भी तगड़ा मिलेगा। बोल राजी है? राजी है? हाँ 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 पापा। माँ आपको बचाने के लिए भैया शादी करने के लिए भी तैयार हो गए हैं। मुझे माफ कर दे बेटा। लेकिन माँ आपकी इसमें गलती क्या है? मेरी तो गलती है, सब मेरी वजह से हो रहा है। माँ प्लीज मत रो। अब तो बस एक ही रास्ता बचा कि मैं अपनी जिंदगी अपने हाथों से खुद ही खत्म कर दूँ। कम से कम तुम लोग तो अपने बाप की हैवानियत से बच जाओगे। माँ आप ऐसा कुछ नहीं करोगी। हाँ माँ प्लीज प्रॉमिस करो आप ऐसा कोई कदम नहीं उठाओगे। आपको हमारी कसम। माँ हमारी कसम है माँ। अजय एक बात बता, अगर कोई आदमी सुसाइड कर ले तो क्या उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी क्लेम की जा सकती है? बिल्कुल, इंश्योरेंस पॉलिसी करवाने के एक साल बाद अगर पॉलिसी होल्डर सुसाइड कर लेता है तभी इंश्योरेंस पॉलिसी क्लेम की जा सकती है। अच्छा अजय और एक बात बता, तूने कभी किसी आदमी की इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई है बैक डेट में? नहीं भैया, लेकिन हाँ घूस देकर थोड़ा जुगाड़ पानी करके कर सकता है। लेकिन भैया आप ये सब क्यों पूछ रहे हो? एक इंश्योरेंस पॉलिसी करवानी है लेकिन बैक डेट में। किसकी? हमारी धर्म पत्नी गीता की। कट डीप नहीं था वरना जान भी जा सकती थी। थैंक यू सो मच भाई, तू नहीं होता तो पता नहीं मैं क्या करता। अभी तू दोस्त है मेरा, वो तेरी दीदी है, उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया इसलिए मैंने रिपोर्ट नहीं की। ये गोलियां हैं जिससे उनका दर्द कम हो जाएगा, उन्हें अच्छी नींद भी आएगी, उन्हें आराम की सब जरूरत। ठीक है भाई थैंक यू। माँ ये सब आपने प्रॉमिस किया था ना हमसे? सॉरी मामा, आपको इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। नहीं तकलीफ कैसी, बहन है। आप रो मत माँ, सब ठीक हो जाएगा। आओ आराम से। संभालिए अपने आपको भाई साहब, आने वाला चला गया। संभालिए। घटियापन की भी एक हद होती है, पड़ोसियों के घर के सामने शोर शराबा करना, अपने बेटे को सरेआम मारना, अपनी मां से उसे अलग करना,
और अगर मिलने की कोशिश की तो बेरहमी से उसे पीटना, इतना ही नहीं ब्लैकमेलिंग, इंश्योरेंस फ्रॉड और अंत में बेरहमी से उसका हत्या। ऐसे इंसान के लिए सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। क्या दिमाग लगाया भैया, मानना पड़ेगा। वो सब छोड़ दो, ये बता कि इंश्योरेंस पॉलिसी को क्लेम कैसे कर सकते हैं? अरे भैया, ये आपका भाई ना, इस पूरे इलाके का सबसे टॉप का इंश्योरेंस एजेंट है। दो दिन में सारा पैसा आपके अकाउंट। चीयर्स। चीयर्स। भैया कुछ तो गड़बड़ है। अब गड़बड़ होने के लिए बचा ही क्या? मेरा मतलब है वो लाश माँ की नहीं थी। अब सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो अभी सदमे में इसलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। आप समझ नहीं रहे भैया। अरे क्या समझना है इसमें, क्या समझना है? हमारी हमारी माँ मर चुकी है, हमारा बाप नीचे सेलिब्रेट कर रहा है, बाकी इंश्योरेंस पॉलिसी क्लेम करने का प्लान बना रहा है और तू यहां? सॉरी भैया, अब ये घर छोड़ने का समय आ गया है। जानू अब यहां नहीं रहना। अजय, जीते जी तो मेरी बीवी किसी काम नहीं आई, लेकिन जाते जाते ये 1 करोड़ दे गई। थैंक यू गीता। भैया मैंने इतनी मेहनत की है तो आधा आधा तो बनता है ना? औकात मेरे, तेरा जितना कमीशन बनता है ना उतना ही मिलेगा, आधा आधा। चल शानू। यार शानू कहाँ चले गया? शानू, सर वो लाश हमारी माँ की थी नहीं। लेकिन तुम्हारे घर के सभी लोगों ने ये कंफर्म किया था ना कि वो लाश गीता शुक्ला की है, और अब तुम आकर के कह रहे हो कि वो लाश तुम्हारी माँ की नहीं थी। हमारी माँ के दाहिने पैर की उंगली एक्सीडेंट की वजह से काटनी पड़ी थी, जबकि उस बॉडी के सभी उंगलियां सलामत थी। लेकिन दिक्कत ये है कि ना तो अब हमारे पास बॉडी है और ना ही कोई सबूत। लेकिन सर, देखो तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी, और वैसे भी ये केस अब क्लोज हो चुका है तो कोई चांस नहीं है। सर मैं यकीन के साथ कह सकता कि वो लाश हमारी माँ की थी नहीं। ठीक है, अगर तुम इतने यकीन से कह रहे हो तो हम इस केस को दोबारा से रीओपन करते हैं और इन्वेस्टिगेट करते हैं। हाँ भैया, आपने फोन किया था? कहाँ था तू? वो एक दोस्त के घर था। आप कहाँ हो? एक जॉब इंटरव्यू के लिए आया हूँ, कॉल करता हूँ तुझे। ठीक है भैया। क्या गया है मुझे है? सब बताता हूँ माँ, सही वक्त आने दो, पर अभी आप ही पहले खाना खा लो। खाना छोड़, पहले तू मुझे ये बता कि तूने मुझे क्या बोला था कि तू, मैं और शानू हम तीनों इस शहर से कहीं दूर चले जाएंगे, बोला था ना? हाँ, मुझे लग रहा है कि तू मुझसे कुछ छुपा रहा है। देख अक्षत, तो अपनी माँ से झूठ बोलेगा है? सच सच बता, क्या बात है बोल। वो
माँ। हाँ क्या? वो पापा आपके मरने के बाद आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी क्लेम करना चाहते थे, वो आपको जिंदा जला के मारना चाहते थे, इसीलिए आपको बचाने के लिए मैंने मुर्दा घर से डेड बॉडी का इंतजाम किया, और पापा के आने से पहले मैंने आपकी जगह उस डेड बॉडी को लिटा दी। और शहर छोड़ने के बहाने आपको यहां ले आए। हाँ मुझे माफ कर दो, आपकी जान बचाने का और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। शानू अपना सामान सारा पैक कर ले, कल सुबह हम ये घर छोड़ के दिल्ली जा रहे हैं। लेकिन भैया दिल्ली में रहेंगे कहाँ, पैसे ही तो नहीं है हमारे पास। हमारे बाप ने हमारी माँ की पॉलिसी क्लेम करके बहुत पैसे कमाए हैं, वो इस्तेमाल करेंगे सरवाइव करने के लिए। बस बस यहीं पे चल भैया, हम तो रेलवे स्टेशन जाने वाले थे ना। तो चल मैं बताता हूँ। चल भैया बस 5 मिनट में आ रहे हैं। आजा माँ, मुझे यकीन था कि आप जिंदा हो। चलो भैया आपने बताया नहीं। कैसा है तू? अच्छा हूँ माँ। लेकिन कैसे भैया? सब बताता हूँ। पहले माँ का सामान उठा। माँ हमें निकलना पड़ेगा, 1 घंटे में ट्रेन है दिल्ली की। हाँ चल चल आ जा। चलो माँ चल चल। ये टैक्सी कहाँ गई? अरे भैया सामान तो यही पड़ा है। परेशान मत हो, वो क्या है ना, मैंने टैक्सी ड्राइवर को पैसे देकर उसे रवाना कर दिया। अरे वाह भाभी आप तो जिंदा हैं। हाँ नमस्ते भाभी जी। आप यहाँ क्या कर रहे हो? वो अपने आप को ज्यादा होशियार समझता है ना, और तुम्हारा बाप तुमसे भी ज्यादा होशियार है। उसे तुम लोगों पर शक हो गया था कि तुम लोग कुछ ना कुछ प्लानिंग कर। बुलाया तुमको, चलो चलो चल चल। वो तो जिंदा है। ये सब होशियारी की वजह से। तेरी होशियारी? तो फिर मैंने जिसे चलाया था वो कौन थी? रुक, तू कहाँ जा रहा है बड़ों की लड़ाई के बीच में? खड़ा रहे।
पिछली बार तो तू बच गई थी, लेकिन इस बार नहीं बचेगी। अगर लोगों को पता चल गया कि तू जिंदा है तो मेरी पॉलिसी के पैसे हवा हो जाएंगे और ये मैं होने नहीं दूंगा। अजय तुम नहीं बचेगी, तुझे मरना पड़ेगा गीता। उठाओ एविडेंस है, फॉरेंसिक लैब भेजो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। पकड़ो इसे। कभी कभी जिंदगी में ऐसी परिस्थितियां बन जाती है जहां सही और गलत में फर्क करना एक इंसान के लिए बेहद मुश्किल हो जाता है। कुछ ऐसा ही अक्षत के साथ भी हुआ। इतने सालों से सतीश के टॉर्चर ने उसके दिमाग पर गहरा असर डाल दिया। वो अपनी माँ को अपने पिता के अत्याचारों से बचाना चाहता था, लेकिन उसने कानून की मदद नहीं ली बल्कि एक बेहद अतार्किक रास्ता इख्तियार किया उसने। एक लाश को गैर कानूनी तरीके से हासिल करना, फिर चाहे वो किसी की जान बचाने के लिए क्यों न किया गया हो, कानूनन अपराध है और एक न एक दिन वो सच सामने आ ही जाता है। और हुआ भी यही। गीता के जिंदा होने का राज खुलते ही सतीश ने एक बार फिर गीता को जान से मारने की कोशिश की। अक्षत के सब्र का बांध अब टूट गया और उसने अपने पिता की निर्मम हत्या की। परिणाम स्वरूप अक्षत को जेल जाना पड़ा और एक बार फिर वो अपनी माँ से दूर हो गया। सोचने वाली बात यह है कि अगर अक्षत कोई और रास्ता चुन लिया होता, जैसे कि कानूनी सलाह लेता या फिर कानून की मदद लेता, तो आज वो अपनी माँ के साथ एक खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर रहा होता। अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे जुर्म से जंग की एक और नई कहानी के साथ। क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। जय हिंद।